नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, पत्रकारों के सवालों पर बचते नजर आए कमलनाथ। मुख्यमंत्री अपने उड़न खटोले में ऐसे आए और ऐसे गए जैसे जनता को और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की समस्या से उन्हें कोई सरोकार नहीं। मुख्यमंत्री कमलनाथ नरसिंहपुर आकर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण तो कर गए और यह कह दिया, हमने नरसिंहपुर में 20,322 किसानों का कर्ज माफ किया और यह किया और वो किया। हिंदुस्तानी नरसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा यहाँ पर नरसिंहपुर में आके जो है करोड़ों की घोषणाएं तो की है, लेकिन मीडिया कर्मी के सामने मुख्यमंत्री जी नहीं आए हैं। मीडिया कर्मी उनसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाई है। पर हम आपको बता दें, आम जनता कमलनाथ सरकार से नाखुश है। लोगों के प्रधानमंत्री आवास अभी अधूरे हैं, उनकी किस्त नहीं मिल रही, आम जनता बिजली के बिलों से परेशान, तो कहीं गांव-गांव शराब बिकने से महिलाएं परेशान। तमाम समस्याओं को लेकर आम जनता कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े रहे, पर मुख्यमंत्री कमलनाथ 2 मिनट भी उनसे नहीं मिले और ना ही किसी पत्रकार को 2 मिनट का समय दिया। मुख्यमंत्री जी हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं, आपका क्वेश्चन जो समस्याओं से संबंधित है, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ सौगात लेकर आए। क्या क्या सौगातें दी है? मुख्यमंत्री जी ने 100 बिस्तर का नरसिंहपुर में चिकित्सालय और खेर पानी पुल जो नवनिर्मित हुआ उसका लोकार्पण, इसके बाद मुख्यमंत्री जी का कि वह जनता की समस्या उनके सामने रख सके। वहीं भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल कमलनाथ सरकार पर जमकर आरोप लगाए, कहा कि कांग्रेस गांव-गांव शराब पहुंचाने का काम कर रही है, पुलिस का आतंक बढ़ गया, कांग्रेस सरकारों ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। कमलनाथ ने नरसिंहपुर आगमन पर जिले में लाखों की अवैध होर्डिंग का मुद्दा भी चर्चा में रहा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए नरसिंहपुर से अभय हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। क्या समस्याएं हैं आपकी? बिजली के बिल जो ज्यादा आ रहे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री या हमारे विधानसभा अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, मीटरों में गड़बड़ी है। जो बिजली विभाग द्वारा जो मीटर लगाए जा रहे हैं वो मीटर को जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, इसलिए बिल ज्यादा आ रहा है। तो मीटर बदलने चाहिए? हाँ, मीटर बदलना चाहिए। और जो मीटर मकान के बाहर लगे हैं उनमें धूप लग रही है, इसलिए मीटर जो स्पीड से चल रहे हैं इसलिए बिल ज्यादा आ रहे हैं। सरकार की संबंध हुआ उस संबंध में आपके द्वारा क्या ज्ञापन दिया गया? नगर पालिका क्षेत्र के बहुत से हितग्राही आए थे जिनको पट्टे की जरूरत थी, प्रधानमंत्री आवास की कुछ किस्त नहीं आ रही थी उसके संबंध में, और बिजली के बिल के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ज्यादा उस संबंध में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री ने क्या बोला? We'll be right back.